पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या आरसीपी सिंह अलग राजनीति करेंगे, जिसको लेकर अब बड़ी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच जो खबर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, भाजपा के कई नेताओं ने आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने पर बयान दिया है। बात की जाए तो प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी स्पष्ट किया है, और उधर संजय जायसवाल के बारे में भी चर्चा है तो संजय जायसवाल ने भी स्पष्ट किया है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चाहेंगे कि उनके बयानों को पहले सुनिए और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। जीवन भाजपा के लिए गंवाया था, उनके पुत्र भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे बिहार में एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए, और जो भी हमें लगता है कि इनसे भारतीय जनता पार्टी को और गरीबों को लाभ होगा, उन सभी का स्वागत भाजपा में है। वो बेचारे प्रतिरोध मार्च करेंगे ही, सब बहुत दुखी हैं। 8 बरस हो गए, 8 साल में एक धुर जमीन भी किसी गरीब ने तेजस्वी जी को न उनके किसी परिवार के सदस्य को दान नहीं किया। उसके पहले कोई ऐसा वर्ष नहीं होता था कि भले वह आदमी प्रधानमंत्री आवास योजना में रहता हो, या उनके घर का गाय का दूध दुहने वाला हो, उनके घर का चपरासी हो, चाहे रेलवे का चतुर्थ श्रेणी का चपरासी हो, वो सब करोड़ों की जमीन तेजस्वी जी को दान किया करते थे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तेजस्वी जी को दान में जमीनें मिलना बंद हो गया है। उसी के प्रतिरोध के लिए वो मार्च निकाल। ये आरसीपी सिंह जी और जनता दल यूनाइटेड का मामला है, इसमें हम लोग का कुछ मतलब नहीं है, कुछ इसमें बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन किसी भी दल में राजनीतिक सूचिता जरूरी है, और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इसका सही और गलत का मूल्यांकन करने वाला कोई दूसरा कोई है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।